कैन के साथ हम अपने कलाकारों का बहुत ही शानदार तरीके के साथ, लेकिन कभी ये कामयाब होगा तो बहुत ही आराम के साथ आप हमारे कलाकारों का यहाँ पर जिसको भी जो कल 13 इंतजार फिल्म का रिलीज हो रही है, जिसको भी सवाल पूछने अरबाज खान जी से, उनको दे आर वेलकम। एक तारीख को इसका सर 24 को था, 1 तारीख को 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। जिस किसी को मीडिया वालों को सर से मुखातिब होना है, सवाल पूछना है उसके बारे में, यू ऑल आर वेलकम सर। अच्छा थोड़ा सा साइलेंस प्लीज, थोड़ा साइलेंस साइलेंस। हाँ जी, 13 इंतजार जो फिल्म है वो एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है, और उसमें एक सस्पेंस का एलिमेंट भी है, थोड़ा सा सुपरनैचुरल फील भी है फिल्म के अंदर। तो एक अच्छी होलसम एंटरटेनर है, जिसमें जो एक ऑडियंस हिंदी फिल्में देखना चाहती है, एक अच्छी सी कहानी, अच्छा सा मतलब गाने अच्छे होने चाहिए, तो गाने टच और अच्छे हैं गाने, और बड़े पॉपुलर भी हो रहे हैं इंटरनेट पर भी, जो यूट्यूब वगैरह पे है। तो इट्स बेसिकली अ होलसम एंटरटेनर एंड इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, सो यू कैन गो विद योर फैमिली एंड सी द फिल्म आल्सो। इसमें सनी लियोनी है, इसमें मेरा कैरेक्टर आई एम देयर इन द फिल्म, सो एक आर्य बब्बर करके हैं, फिर गौहर खान करके हैं, सलीन अंकोला है, और भानी करके एक लड़की है, वो भी है इस फिल्म के अंदर। अच्छी है, वे मेरी पहली बार, मैंने पहली बार काम किया उनके साथ, तो शी इज़ वेरी हार्ड एज एन एक्ट्रेस, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग सिंसियर और बड़ी प्रोफेशनल है। एंड फिल्म के दौरान मेरी उनके साथ जो जान पहचान हुई, तो शी इज़ वेरी वार्म हार्टेड, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, शी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ एयर्स, एंड बहुत अफेक्शनेट है, अच्छी है, फनी है, तो आई गॉट लॉन्ग वेरी वेल विथ हर। एंड हम हमेशा कहते हैं कि फिल्म तो आएगी और रहेगी थोड़े दिनों के लिए, चलेगी, जो भी होगा उसका होगा, लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, बिकॉज आई गॉट टू नो अ गुड पर्सन ऑन दिस सेट, सो आई गॉट टू बिकम वेरी फ्रेंड्स विद हर, तो वी आई फील के आई गॉट समथिंग फ्रॉम द फिल्म, डेफिनेटली आई डिस्कवर्ड अ फ्रेंड। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, अभी थोड़ा सा आई थिंक सब सेंसर्स में सारी फिल्में थोड़ा सा डिले हो रही हैं, काफ़ी फिल्में पोस्टपोन हो गई हैं, शायद ये एक रीज़न हो सकता है, शायद मेरे ख्याल से आई थिंक सो वो यू सर्टिफिकेट के लिए दे आर लुकिंग फॉर अ यू सर्टिफिकेट, एक आध कोई सीन ऐसा कुछ, नॉट बिकॉज ऑफ द जो आप समझ रहे हैं वैसे नहीं, कुछ थोड़ा सा फायर वायर का कुछ सीक्वेंस होगा शायद, विद दे वॉन्ट टू कट डाउन थोड़ा सा एक्शन की वजह से, सो वी वॉन्ट द फिल्म टू बी, बिकॉज ऐसा कुछ रियलिस्टिकली देर इज नथिंग रियली इन द फिल्म, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी वॉन्टेड टू बी सीन बाय अ लार्जर ऑडियंस, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट इट इज़ टू गेट अ रिव्यू एंड गेट अभी जो उनको शायद they want a UA certificate. क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले जो रीज़न था फिल्म साइन करने का, कि मैंने काफ़ी सालों पहले थोड़ा तो एक आई वॉज आउट ऑफ बिकॉज प्रोडक्शन जब मैं कर रहा था, फिल्म मेकिंग कर रहा था, 3-4 साल से मैंने फिल्में बहुत कम की थी,
और ज़्यादा फिल्में जो मैंने की हैं वो स्लाइटली सीरियस रोल्स किए हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रे शेड्स वाले रोल किए हैं, नेगेटिव किए हैं, कैरेक्टर और डोमिनेटिंग रोल किए हैं। बट दिनों बाद मुझे एक चैलेंजिंग रोल मिला, एक रोमांटिक लीड में एक रोल मिला, एक अलग कहानी का रोल मिला, तो एक वो रीज़न था डेफिनेटली। जो डायरेक्टर थे वो काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम कर चुके थे पहले, उन्होंने मुकुल सर के साथ काम किया था, उन्होंने डेविड सर के साथ काम किया था, उन्होंने भरत रंगाचार्य सर काम किया था, तो अपना काम जानता था, उसको ब्रेक मिला था, तो मुझे लगा कि पहली फिल्म बना रहा है तो अच्छी, मतलब ही ट्राई इज बेस्ट मेड। एंड देन रोमांटिक फिल्म थी तो मैंने पूछा एक्ट्रेस कौन थी, तो उन्होंने बोला सनी लियोनी है, तो मैंने बोला चलो डन अब ये करते हैं। तो ऐसे दो चार रीज़न थे फिल्म करने के। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ के लिए ना लोग समझते कि कभी कभी कारण एक होता है, देयर आर फ्यू बॉक्सेस यू गॉट टू टिक, कि फिल्म की कहानी क्या है, आपका रोल क्या है, आपकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है उस फिल्म के लिए, आपको बाकी चीज़ें पैरामीटर्स जो आपके जो रिक्वायरमेंट्स वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके ऑल्सो यूर अ प्रोफेशनल, तो आपकी जो वर्थ है, जो आप बिलीव करते हो, वो आपको प्रोड्यूसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये सारी, जैसे कोई भी नौकरी के लिए भी करता है तो वो देखता है कि मुझे कितने घंटे काम करना है, मुझे कितना बोनस मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, एक ही चीज़ नहीं होता कि मुझे नौकरी मिल रही तो मैं करूँगा, यू हैव टू लुक एट 10 थिंग्स। तो व्हेन वो बॉक्सेस टिक होते हैं तो आई डू द फिल्म, बिकॉज एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू बी बिजी एंड आई वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ रोल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, एंड आई एम हैप्पी डूइंग दैट। सर थोड़ा सा इसका ब्लेम हल्की सी हमारे जो ट्रैफिक को भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं 2.5 घंटे पहले निकला हूँ, अगर आप चाहो तो मेरा देख लो प्रूव करके, बांद्रा से मैं 5 बजे निकला हूँ और मैं अभी पहुँचा हूँ, तो आई एम सॉरी आई हैव केप्ट यू ऑल वेटिंग, आई एम श्योर आप लोग सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे, बट मुझे 2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए, जबकि आइडियली 1-1.25 घंटा बहुत होता है यहाँ तक आने में। So recently you have gone to Big Boss to promote your film, so how was the experience? Oh, it was very good. Of course everybody is a big fan of Bhai and the show, and film ka bahut bada platform tha promote karne ke liye। Sunny ne apna career Hindustan mein Big Boss se shuru kiya, wahin se unko recognition mili, wahin se unke fan following aur badi, aur wo अब गई एज अ गेस्ट ऑन द शो एंड मैं भी था साथ में, बिकॉज हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, एंड इट वॉज अ गुड प्लेटफॉर्म, भाई वॉज देयर, सो ही वॉज लाइक फिल्म प्रमोट हो रही थी, अच्छा हो रहा था, एवरीथिंग वॉज गुड। मुझे, मैंने फिल्म देखी नहीं है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, आई जस्ट फील के इसके लिए लोग हैं डिसाइड करने के लिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। आई डू बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आई डू बिलीव दैट आर्ट शुड बी अलाउड, बट आई डोंट नो व्हाट इज द सर्कमस्टेंसेस, सो आई वुड नॉट गो इनटू इट। दे शुड टेक द कोर्स ऑफ द कोर्ट इफ दे फील के दे गॉट एवरीथिंग राइट इन द फिल्म, बट बाकी दोनों। I don't know, producers should be asked that question, and it that might be the reason why they want it to get a use certificate, kyunki chote mote cuts agar you milta hai to they want it to be seen by a larger audience, so I'm sure maybe that must be the reason, and they're fair enough, but I think mere khayal se shayad Sunny ki pehli film hogi jo you ho film hogi, to it's a that's also a advantage, or that also because log Sunny ko dekhna chahte hain, lekin kabhi kabhi film mein adult hoti to wo nahi apne family ke sath ja sakte, to agar ye you certificate milta hai to uski jo fan following hai ya jo audience hai wo jaake dekh sakti hai। Film bhi aisi hai ki it's basically her actor dusri, it doesn't have to be a film which is explicit in sex or whatever, it is not one of those films, so it's just to sir ye film kaisi comedy hai ya सर अभी आप आए हैं या, क्योंकि मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि एक रोमांटिक थ्रिलर है, सस्पेंस थ्रिलर है, बार बार एक ही सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता। थैंक यू अभिनेत्री का अभिनय सर, वो मेरे से मुझे कुछ नहीं पता, आई थिंक शी इज नॉट वेल, बट आई थिंक शी इज गॉट अनदर विजिट हियर सम अदर डे, आई थिंक शी विल कम, क्योंकि हमारी फिल्म भी पोस्टपोन भी हो गई, तो एक फिल्म के पहले भी एक प्रमोशनल का एक कुछ होना चाहिए, तो आई थिंक शी इज नॉट फीलिंग टू वेल एक्चुअली। एक मराठी प्रश्न विचारतो, एक मराठी उत्तर द्याल का, हा चित्रपट कसा असेल? चांगला। सर सलमान खान जी के साथ आपका बारे है? आप जर्नलिस्ट हो के नहीं हो? मैं बॉलीवुड का पहली बार आया,
तो आप सुनते नहीं, न्यूज़ पढ़ते नहीं कि दबंग 3 अनाउंस हो गई है? नहीं, दबंग अभी, अभी आप आपके जो फिल्म के सर थैंक यू कौन सी आ रही है? मेरे क्या एक अभी, अभी जो उनकी फिल्म आ रही है हाँ, आप उनके साथ कौन सी फिल्म आ रही है? वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप पढ़ते नहीं हो न्यूज? 5000 बार कह चुका हूँ कि दबंग 3 आने वाली है अगले साल, तो मैं उनके साथ ही आऊंगा ना। बस तो वही पूछ रहा था। हाँ पूछ रहा था। आप फिर से पूछोगे, चाहे मैं 1,00,000 बार कह चुका हूँ, अगर आप पूछोगे कि आपकी दबंग 3 कब आ रही है, यही एक प्रॉब्लम ये है कि एक चीज को 10 बार बोलने के बाद भी 5000 बार बोलना पड़ता है। सवाल ये पूछे, दबंग 3 आप कब शुरू कर रहे हैं? 15,000 बार कह चुका हूँ कि अगले साल मिड शुरू कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। ये क्या है, इसमें कुछ नया पूछो यार। थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। वी हैव अरबाज सर टू प्लीज साइन टीशर्ट्स फॉर अस, दैट्स लॉ मैन पेज 3, बी द स्टार, दैट्स टैगलाइन। ओके, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया पीपल टू प्लीज जॉइन अस फॉर द मेजर इवेंट डाउनस्टेयर्स इन द नेक्स्ट मोमेंट। राइट नाउ वी हैव सम फोटो ऑप्स विद अरबाज सर अपस्टेयर्स विद द फैमिली, बट आई रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया पीपल टू क्विकली जॉइन अस फॉर द डाउनस्टेयर्स इन द नेक्स्ट मोमेंट। वी विल बी डाउनस्टेयर फॉर द मेजर इवेंट, सो वी हैव एवरीबॉडी टू प्लीज क्विकली जॉइन फॉर द डाउनस्टेयर्स। अगली बार मैं ना अच्छे सवाल जो पूछेगा ना उसको मैं कुछ प्रेजेंट या प्राइज दूंगा, क्योंकि ये भी जरूरी है ताकि आप भी अच्छे सवाल पूछो। और जनरली मैं देखा कि जब भी कोई इंटरव्यू हो रहा होता है ना, दो ही लोग आते हैं, वही पूछते हैं, 50 लोग बैठे रहेंगे लेकिन दो लोग ही बार बार, जैसे यहाँ पर एक था वही पूछते 12 क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर आपने 3 क्वेश्चन पूछे, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ ये सवाल अच्छा, क्या बात है, मस्त लग रहा हूँ। तो ये तो ये अच्छा सवाल है ना। आपको एक जीन्स मिलेगी, आपको एक आप किनके साइज की जीन्स देते हैं, ठीक है, हाथ ऊपर करना बात कर जाओ, क्योंकि इन्होंने मेरे को बोला कि मैं यंग दिख रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ। देखो ये सवाल का तुमको फायदा हो गया, ये सवाल का ठीक है, क्या वेस्ट किया तुम्हारी 36 की एक निकालो जीन्स इनके लिए, कलर क्या सर? ये और सेक्रेटरी सर, इसका जवाब भी दे दीजिए, यंग क्यों दिख रहा है? जवाब दे रहा है सर, जवाब दे रहा है। थोड़ा सा डिसिप्लिन आ गया है, मतलब अपने खाने पीने में, एक्सरसाइज वगैरह में, थोड़ा सा वो सब चीजें जरूरी होती है, बिकॉज़ एज यू ग्रो ओल्डर थोड़ा सा आपको चीजें अपना ख्याल रखना पड़ता है, तो आई एम टेकिंग केयर। सिगरेट पीता था मैं, वो मैंने बंद कर दी, वो अच्छी चीज थी, तो अच्छा मैं वो कोशिश करता हूँ, ऐसी चीज है कि वन शुड नॉट गेट बैक, तो अभी साल भर के ऊपर हो गया, तो उससे भी फर्क पड़ गया स्किन के अंदर, जनरली हेल्थ के अंदर फर्क पड़ गया, तो वो मैं चाहूंगा कि ऐसी आदत दूसरे बच्चे कभी नहीं करें। सर अपने आप को मोटिवेट कैसे करेगा जिम ये एक्सरसाइज के लिए? सनी लियोनी के साथ काम मिलेगा तो अपने आप हो जाएगा। सर से विनती है कि आप नीचे, एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, आप सबको नीचे जाएंगे, छोटा फोटो सेशन है, सब प्रेस वालों से विनती है कि सब लोग नीचे जाएंगे। अरे बे पिचा शमशाद, मोबाइल नीचे नीचे में शूटिंग हो गया। अजीत वो बैग दो, मेरे थोड़ा नीचे ले लो, मेरा बैग का भाई साहब, सर बैग को ना नीचे बैठो। अजीत बैग ले, बैग इधर है, चलो चलो नीचे चलो, जगह दो स्मॉल बुकी तुरबाज भाई, we have Dheeraj Purohit to please come forward and please give a to Atul Lal Purohit, we have Paresh Ji to please come forward and give a bouquet to Bharat Bhai Purohit, we have Devi Lal to please come forward and give a bouquet to Raju Bhai Purohit. We have this wonderful moment
awesome. Give me a warm welcome and to see that Tera Intezar seeing lots and lots of colors. Get calm. We have a small celebration. We have a kick. Going ahead for the team cutting. And we have to definitely up. So here it up for the wonderful London Pastry Team to start. Give the team cutting. Arbaz left. Arbaz left. We'll have one more mic, please. A small question from your man. You are coming as a main lead role in this romantic play after a long gap. How does it feel to be a romantic with Sunny? सबसे पहले आप लोग सबका शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का. Thank you very much. चला आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन टूर्नामेंट ट्रैफिक में लेट हो गया. So thank you very much for being here. आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि सही है कि मुझे कई सालों बाद एक मेन लीग में एज ए रोमांटिक हीरो मिला है अपॉर्चुनिटी. और बिकॉज आई एम एन एक्टर हु लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट एंड चैलेंजिंग, सो आई थॉट टू डू नीचे बैठना टू वर्क. ये बैठ जा नीचे. सामने जैसे कि मैंने कहा कि आई रोमांटिक फिल्म थी और सनी लियोनी थी, तो मैं रिफ्यूज नहीं कर सका. आई एम अ बिग फैन ऑफ बोथ. एंड ए उठ मत भाई, कैमरा में लेके आप इधर. आई डन दिस फिल्म एंड अभी रिलीज पर है. आई होप पीपल गो एंड वॉच इट. या या एंड वी हैव सीन द प्रोमोस. Both of you look excellent on the screen, especially the chemistry is evenly seasoned. How did you achieve that beautiful chemistry with Sunny? Well, hey, kya kar raha hai? It was just pretty much natural. I think we got along very well, and because we got along, we translate that energy and feel on the screen. And she was very, very good to work with, extreme professional, and it made it very easy. Okay, double three, that we know that it's announced. But sir, what is after next? Being the director, actor, and producer. So after double three, what do you have to see today? Maybe start a couple of films under my production after that. I'll just concentrate on Dabang 3 next year. And once I'm done with that, then I will hopefully maybe make more films as a producer, maybe filmmaker, yeah. Alright, great. And yes, Swelly, when it comes to the name of your bhaijaan, Salman Khan, he's known as then Wonderful. So sir, literally this one, if you like that, how is it is with you and Salman Khan when you are at home? We share a very good like a rapport. We are obviously brothers and we love each other and we care for each other and we spend a lot of time together. But वो ही जैसे बचपन में थे वैसे ही आज भी ये लोगों को लगता है बड़े हो गए, लेकिन हमने अभी भी क्या बचपन है. Wonderful sir, we give you the best and wonderful wishes and we see that Tera Intezar has seen lot of colors. सर आज का अभी जो साथ का शहर चाहिए बहुत तो साथ का बुलाया करेगा. हमारी फिल्म अभी रिलीज होने वाली है 1 दिसंबर को, और जाइए देखिए फिल्म. हमने इस फिल्म में बड़ी मेहनत की है, काम किया, हमें बड़ा मजा आया इस फिल्म में काम करते हुए. हम उम्मीद करते हैं कि जब आप फिल्म जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा. Lawman jeans, right? So I would like to congratulate him and for his support for our movie for us. So thank you very much sir for having us here. I really appreciate it. Sir, बहुत सारी शुक्रिया सर साहब को. और दोस्तों ये बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों.